गणपतये नमः। राधे राधे। आइए जानते हैं 2024 में माघ संकट चौथ कब है, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त एवं महत्व। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ का भी विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। संकट चौथ पर श्री गणपति की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस अवसर पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। संकट चौथ की डेट है सोमवार 29 जनवरी 2024। मुहूर्त चतुर्थी तिथि प्रारंभ 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 से, चतुर्थी तिथि समाप्त 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर, चंद्रोदय समय रात 9:10 पर है। देश के अलग अलग हिस्सों का चंद्रोदय समय अलग होता है। पूजा विधि, सुबह स्नान ध्यान करके भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भर कर रखें। धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शकरकंद, अमरुद, गुड़ और घी अर्पित करें। तिलकुट का बकरा भी कहीं कहीं बनाया जाता है। पूजन के बाद तिल से बने बकरे की गर्दन घर का कोई सदस्य काटता है। ओम गणपतये नमः का करें जाप। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पुष्प, दुर्वा, लड्डू आदि से विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश के मंत्र ओम गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए संकट चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।